हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी लर्निंग टिप्स। बच्चे होते हैं यूजुअली अपनी छोटी सी एज में ही आर्ट एंड क्राफ्ट करना शुरू कर देते हैं। वो आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होता है, वो उनके लिए बेशक आपके रूम्स की वॉल्स स्पॉइल करना हो या फिर आपके कर्टन्स के ऊपर, सीनरीज के ऊपर, आपके क्लोथ्स के ऊपर, कहीं पर भी वो कलरिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पर भी अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। और हम हमेशा उन्हें बचपन से ही रोकना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, आप वॉल्स ख़राब कर रहे हो, आप कलरिंग मत करो, आप ये सब मत करो, क्योंकि घर गंदा हो रहा है इस चीज़ से। बट क्या कभी हमने आर्ट एंड क्राफ्ट के बेनिफिट सोचे हैं कि इतना छोटा बच्चा अगर आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है तो उससे उसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमें एक छोटी एज से ही क्यों आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे को स्टार्ट करवा देना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है उसके अंदर हमारा माइंड, बॉडी और हमारे इमोशंस सारे कोरिलेटेड होते हैं। अगर बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसका माइंड और उसकी बॉडी दोनों इकट्ठे वर्क ऑन करेंगे, और जब वो इकट्ठे वर्क ऑन करेंगे तो उसका मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है उससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है और बच्चा अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है। तो जो हमारा सबसे पहला बेनिफिट होता है बच्चे के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट करते हुए, वो होता है उसकी सोशल डेवलपमेंट। आप सोचेंगे कि बच्चा सोशल डेवलपमेंट कैसे करेगा जब वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा होता है, क्योंकि जब बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है, वो कुछ भी पिक्चर बना रहा है, तो वो उस पिक्चर को आपके साथ या फिर जिसके साथ भी वो स्कूल में ड्राइंग कर रहा है, कहीं बाहर इमेजिन करके कुछ ड्रॉ कर रहा है, तो वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा उसकी इंटरैक्शन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वो सोशली इन्वॉल्व होगा, और आर्ट एंड क्राफ्ट को एज अ फन वे में वो एक एक्स्ट्रा वर्ड पर्सन बनेगा, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है दूसरे पर्सन के साथ, और वो शाय नहीं रहेगा। सो जब आपका बच्चा शाय नहीं रहेगा तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डिवेलप हो जाएगा, और बच्चा जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो फ्यूचर में वाइब्रेंट स्टेज पे परफॉर्म कर पाएगा। सो आपका बच्चा और सोशलाइज हो जाएगा, वो और ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएगा, वो कहीं पर भी आपके साथ बाहर जाएगा सो उसको हेजिटेंट नहीं फील होगा कि वो आपके फ्रेंड्स में या फिर कहीं आउटिंग पे जा रहा है तो वो सबसे बहुत ओपनली बात कर पाएगा। ही विल बी अ वेरी सोशलाइज्ड पर्सन। इम्प्रूव मोटर स्किल्स। बच्चा जब आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा होता है तो वो यूजुअली क्या करता है, पेंटिंग करता है, कलरिंग करता है, या कुछ भी इमेजिनेटिव सा स्केच ड्रॉ करता है। सो उससे उसकी जो मोटर स्किल्स होती हैं, लाइक उसकी फिंगर की पेंसिल होल्डिंग, ग्रिपिंग, वो सारी एनहांस होगी। बच्चे ने एक पेंट ब्रश उठाया कलरिंग करने के लिए, सो पेंट ब्रश उठाने के लिए भी उसको अपनी फिंगर्स का यूज़ करना है, और जब वो अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रहा है उससे उसकी फाइन मोटर्स डेवलपमेंट होंगी। ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने पहले भी हमारी वीडियो में शेयर किए हैं जिससे बच्चे की फाइन मोटर्स डेवलपमेंट बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगी, क्योंकि बच्चे होते हैं वो पेंसिल ईजिली नहीं होल्ड कर पाते हैं इन देयर स्टार्टिंग एज। सो जब आप बच्चे से वो एक्टिविटीज़ कराएंगे तो वो इजीली पेंसिल होल्ड करना स्टार्ट कर पाएंगे। उनमें से आर्ट एंड क्राफ्ट भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो उनकी फाइन मोटर्स डेवलपमेंट को एनहांस करेगी। नेक्स्ट होता है बच्चे के अंदर जो एक कॉग्निटिव या फिर आप रीजनिंग पावर जिसको कहते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा एनहांस होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं स्कूल में कलरिंग करवा रही थी बच्चों को, सो एक बच्चे ने टाइगर को ग्रीन कलर का स्केच ऑन किया हुआ था। सो मैंने उससे नॉर्मली ही पूछा कि आपने टाइगर को ग्रीन क्यों किया है। सो बच्चे का जो इमेजिनेटिव कह लीजिए या उसका जो रीजनिंग पावर था वो बहुत अच्छा था। बच्चे ने ये आंसर दिया कि मैम जो टाइगर है वो तो बुशेस के पीछे है। ओ देन आई गॉट टू नो कि उसने टाइगर को क्यों किया था। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं बच्चों के पास। अगर वो कुछ बना रहे हैं तो आप उनसे रीजनिंग उनकी डेवलप होगी, वो कुछ ना कुछ क्यूरियस उसमें से ढूंढेंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएंगे। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि उसने एक फैमिली स्केच ड्रॉ किया। फैमिली स्केच में उसने एक न्यू बेबी एड ऑन कर दिया। उसने बोला कि हाँ हमारे घर में उसको मम्मा ने बताया था कि न्यू बेबी आने वाला है। सो उसने अपने माइंड को कोरिलेट किया जो चीज़ उसे बताई गई थी उससे। सो इससे बच्चा जो है रीजनिंग पावर अपनी डेवलप कर सकता है बहुत इजी वे में। आपको पता भी नहीं लगेगा कि बच्चा एक
खेल खेल में, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट कोई उसको प्रेशराइज करने की चीज़, पढ़ाने की चीज़ नहीं है, बट उससे भी उसका रीजनिंग पावर डेवलप हो रहा है। सो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं ना, टाइगर वाले और फैमिली वाले, वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बीइंग अ टीचर। ये मुझे मेरे बच्चों ने बताया है, दिस इज द रियल लाइफ एक्सपीरियंस। पर बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं हर एक चीज़, कभी भी उनको वेट करना पसंद नहीं होता। लाइक एक काम किया उन्होंने, इंस्टेंटली वो काम बंद करके दूसरा स्टार्ट करना है, या फिर कहीं गए हैं तो वो कभी वेट नहीं करते हैं। आपने खुद ने नोट किया होगा ये चीज़ कि हाँ, उन्हें इंस्टेंटली टॉय चाहिए, इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए। तो क्या कभी हमने सोचा है कि हम बच्चे के अंदर एक वेट करने की हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आर्ट एंड क्राफ्ट एक तरीका है जिससे हम बच्चे को वेट करना भी सिखा सकते हैं। अब बच्चे ने पेंटिंग करी, पेंटिंग कर तो लिया है उसने, बट पेंटिंग को सूखने में भी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। जब तक पेंटिंग नहीं सूखेगी, या फिर उसने एक कलर किया, लाइक उसने रेड कलर किया है, अब उसको नेक्स्ट ग्रीन कलर उसके ऊपर करना है थोड़ा सा, सो उसको पहले वेट करना पड़ेगा कि वो ग्रीन कलर या फिर जो रेड कलर था वो ड्राई होगा, तभी वो ग्रीन कलर यूज़ कर पाएगा। कितना इजी सा मेथड था बच्चे को वेट करना सिखाना। इससे बच्चे का जो है पेशेंस डेवलपमेंट भी होता है, और बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड भी हो जाएगा, वो सारे काम इंडिपेंडेंटली भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ काम करना है। आप ये एक्टिविटी जब बच्चे के साथ करेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट की, सो वो जब ग्रुप में बैठा होगा तो उसको अगर कोई कलर चाहिए तो उसको वेट करना होगा कि उसको दूसरे बेबी अगर वो कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको शेयरिंग भी आएगी उस वक्त, और बच्चे को जो है वेट करना भी आएगा, पेशेंस डेवलपमेंट भी हो जाएगी उससे उसकी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस। बच्चे ने मैं आपको टीचर्स डे का ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लास के ही एक बच्चे ने कुछ, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड उसने बनाया क्या था, पर उसने बहुत प्यार से मेरे लिए एक पेपर पे कुछ लिखा था और कुछ ड्रॉ किया था। समझ नहीं आया मुझे, बट फिर भी मैंने उसको प्रेज़ किया, उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि अगर मैं ये बोलती कि नहीं मुझे समझ ही नहीं आया लिखा क्या आपने, या मैं वो पेपर उसके सामने फाड़ देती, तो क्या होता, बच्चा डीमोटिवेट हो जाता। सेम आपको भी करना है कि अगर बच्चे ने कुछ भी बनाया है, वेदर इट्स एनीथिंग, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो प्लीज़ अप्रिशिएट योर चाइल्ड, उसकी प्रेज़ कीजिए ना, तभी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आज उसने गलत बनाया है, कोई बात नहीं, कल वो उससे अच्छा बनाएगा और इम्प्रूव करेगा। बट अगर आपने पहले दिन ही उसको मना कर दिया है, डीमोटिवेट कर दिया है, तो बच्चा नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी भी नहीं करेगा। सो डोंट एवर डीमोटिवेट योर चाइल्ड, और हमेशा उसकी प्रेज़ कीजिए। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट अगर हमने उसको एक बार डीमोटिवेट कर दिया तो वो आगे कभी भी स्टेप नहीं लेगा फ्यूचर में। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। सो आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चे के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रही होगी, और ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोज के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट डोंट ट्रबल योर बेबीज।